नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली सासा परेला क्यू मेडिसिन के बारे में। ये जो मेडिसिन है, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इस मेडिसिन के यदि एक्शन की बात की जाए तो इसका एक्शन हमारी किडनी के ऊपर बहुत ही अच्छा है। ये किडनी फंक्शन को इंक्रीज करती है, साथ ही साथ इसका एक्शन हमारे ब्लड के ऊपर काफी अच्छा है। ये ब्लड को प्योरीफाइड करने का वर्क करती है। यदि इसके साइनिंग सिम्टम्स की बात की जाए तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो इसका जो पर्सन होता है काफी ज्यादा लीन थिन होता है, काफी दुबला पतला होता है। साथ ही साथ उसके जो बाल होते हैं बिल्कुल काले होते हैं। यदि फेस देखोगे तो फेस पे हल्की हल्की झुर्रियां टाइप की नजर आएंगी, छोटे छोटे दाने टाइप के दिखेंगे। तो इस टाइप के पर्सन को आप सारसा परेला क्यू मेडिसिन का यूज कर सकते हो। यदि साइनिंग सिम्टम की बात की जाए तो यदि हेड से स्टार्ट करें हम तो इसमें जो हेडेक होगा वो ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होगा, यहां से शुरू होगा और आंखों तक आएगा। साथ ही साथ यदि पर्सन गोनोरिया सिफिलिस से भी सफर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप सारसा परेला मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव असर करती है। यदि किडनी की बात की जाए तो इसका जो पर्सन होता है इसको किडनी स्टोन देखने मिल सकता है। यदि किडनी स्टोन होगा तो उसको यहाँ बैक में किडनी रीजन से उसको पेन स्टार्ट होगा। कई बार उसका पेन जो है वो पैरों तक रन करते हुए जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सारसा परेला 30 मेडिसिन को इन केस ऑफ पेन के लिए 2 to 3 टाइम यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके यदि सिम्टम्स देखे जाए तो इसका जो पर्सन होगा उसको जो यूरिन होगी काफी ज्यादा, उसको यूरिन पास करने में दिक्कतें होंगी, बहुत ज्यादा सीवियर पेन देखने मिलेगा। यूरिन में उसको ब्लड भी देखने मिल सकता है और जो उसकी यूरिन होगी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी जा सकती है। यदि उसको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम या यूटीआई की प्रॉब्लम या ब्लैडर में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन वगैरह दिखने मिल रहा है तो वहां पे आप सारसा परेला क्यू मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि माउथ की बात की जाए तो इसके जो पर्सन होगा इसके माउथ में आपको अल्सर्स देखने मिलेंगे, साथ ही साथ उसको व्हाइट कॉटेड टंग देखने मिलेगी। यदि हम स्टमक की बात करें तो इसके अब्डोमेन में गैस होगी, गैस के साथ 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 इसको पेट में काफी सीवियर दर्द होगा और पेट के दर्द के साथ साथ उसको कमर में भी दर्द होगा। तो ऐसे सिम्टम्स में आप सारसा परेला मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि फेस की बात की जाए तो अराउंड द लिप्स से यदि उसको पिंपल्स निकल रहे हैं और पिंपल्स में उसको पस देखने मिल रहा है तो वहां पे भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि हम स्किन की बात करें तो इन केस ऑफ लिप्रोसी की कंडीशन में, इन केस ऑफ पिंपल्स की कंडीशन में, बॉयल्स की कंडीशन में अभी आप सारसा परेला मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ जो ये मेडिसिन है ये एक ब्लड प्योरीफाइड मेडिसिन है। यदि स्किन की बात की जाए, लिप्रोसी की बात की जाए तो वहां पे जो रिंग टाइप के, रिंग वॉर्म टाइप की यदि स्किन हो जाती है तो वहां पे आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। एक्जिमा की अगर बात की जाए तो ड्राई एक्जिमा होगा और साथ ही साथ वहां पे जो स्किन होगी वो ब्लैकेस हो जाएगी, तो वहां पे इस मेडिसिन का काफी अच्छा एक्शन है। यदि मेल्स की बात की जाए तो मेल्स में जो स्पर्म होंगे उसमें रेडियस स्पर्म होंगे, मतलब स्पर्म के साथ साथ उसको ब्लड देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ उसकी टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसे हम ऑर्चाइटिस के नाम से भी जानते हैं। यदि फीमेल की बात की जाए तो बिफोर मेंसेस यदि महिलाओं में यहाँ माथे में छोटे 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 दाने देखने मिलते हैं और वो दानों में पस बन जाता है और ये उनको एवरी साइकिल एवरी पीरियड्स में उनको देखने मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आप सारसा परेला मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि इसे मेडिसिन को लेने की बात करें तो आप इस मेडिसिन को 1 कप गुनगुने पानी में 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम को खाए से आधे घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।